RGIBT लग रहा है कोई मजाक ढूंढ रही है बीबीटी टीम के साथ करते हुए। सर अभी आपके यहाँ ये खेलकूद प्रतियोगिता 2 दिन से हो रही है, तो इसमें कौन कौन से खेल हैं सर शामिल? पहले प्रतियोगिता के बारे में बताऊं? जी 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 बिल्कुल जी। इसका उद्देश्य क्या है? जी जी ये तो हम सब जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग के अलावा स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए क्लासरूम के बाहर भी उनको कुछ ट्रेनिंग देनी होती है जी। और जब सब कुछ अच्छे से ट्रेन होते हैं तब यदि इस चार दीवारी के बाहर जाते हैं तो जो चुनौतियां वो अपने जीवन में फेस करते हैं उसका सामना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी इसको हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ वो सीखते हैं। गेम्स तो एक माध्यम है लेकिन इसके ज़रिए वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है, साथ में कैसे काम करें वो जानते हैं, किसी चीज़ को कैसे मैनेज करें, क्राइसिस में किस तरह से एक्ट करें, और यदि मान लीजिए कोई चीज़ इवेंट में सक्सेसफुल नहीं हुए तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, ये सब चीज़ उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है क्लासरूम टीचिंग के अलावा। तो ये सब चीज़ इन को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही सीख सकते हैं, और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये इस पर जोर दिया गया है कि संस्थान ये सब कार्यक्रम कराएं। हम लोग तो पहले ही से कराते हैं जी जी, इस तरह के 3-4 एक्टिविटी हम लोग जिसमें बाहर के इंस्टीट्यूट के लोग भी आते हैं, इसमें से एक ये अभी चल रहा है जो ये स्पोर्ट्स और गेम्स एंड एथलेटिक्स से रिलेटेड है जी जी। इसमें बाहर की टीमें भी हैं, 10 कॉलेजों की टीम है आसपास के क्षेत्र से। आगे हम इसको और ज़्यादा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे जी, ताकि इसका मकसद भी है कि छात्र एक दूसरे को जाने, दूसरे संस्थान के छात्रों को भी जाने, और इससे एक बॉन्ड बनता है जो कि मकसद ये है कि ये नेशनल इंटेग्रिटी में भी काम आता है। तो मकसद यही है इस इवेंट का। कल इसका इनॉग्रेशन हुआ माननीय पद्मश्री सुधा सिंह जो एक नामी एथलीट हैं इस क्षेत्र की जी जी, उन्होंने आया लड़कों बच्चों को मोटिवेट किया कि कैसे सफल होना, मतलब यदि वो उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में कहा जब वो इस लेवल तक अचीव कर सकते हैं तो आप में भी कैपेबिलिटी है। लड़कों ने बहुत आशा है कि उनके शब्दों से वो उनको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। आज समापन है और इसमें कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे जी जी, तो हारने वालों को भी मायूस नहीं होना चाहिए, यही उन्होंने भी अपने मैसेज में कहा जी। कई प्रकार के गेम्स हैं, पूरे लिस्ट तो जो कन्वीनर है वही बता पाएंगे जी जी, कुछ इंडोर हैं कुछ आउटडोर हैं, इस तरह से बहुत सारे इवेंट हैं जी। तो अभी चल रहा है, शाम को समापन होगा, इसके साथ कुछ शाम के समय में कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम भी होता है जी जी, इसमें कुछ लड़के भी परफॉर्म करते हैं और कुछ बाहर के प्रोफेशनल लोग भी आते हैं। कल भी हुआ था और आज भी होगा जी। ये मतलब ब्रॉडली यही हमारा कार्यक्रम है जी। अच्छा, ये अगले महीने भी कोई कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे सर? जैसे मैंने कहा कि हम लोग 3 मेजर इवेंट कराते हैं जी जी, अखिल भारतीय ही होता है जी। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है जी, जिसको हम ऊर्जोत्सव बोलते हैं, वो हो चुका। ये दूसरा चल रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड, ये एनर्जिया है, और तीसरा कल्चरल एक्टिविटी होता है जी, डांस ड्रामा सिंगिंग म्यूजिक ये सब, उसको हम लोग कल तरंग बोलते हैं जी जी। तो कल तरंग अप्रैल में शेड्यूल्ड है जी जी, के लिए टीम बन गई है, वो लोग कार्य कर रहे हैं जी, और इसमें हमें काफ़ी सहयोग मिलता है क्योंकि बिना सहयोग के तो हो नहीं सकता जी जी जी। अभी का जो कार्यक्रम है इसमें ONGC और OIL जी, PNB और भी कई लोगों ने स्पॉन्सर किया है जी,
पिछला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इंडियन ऑयल, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन लोगों ने किया था जी। अगले के लिए फिर हम लोग जाएंगे और वो लोग काफ़ी, वो भी जानते हैं कि जी हमारे एक स्टूडेंट, उनको भी तो बाद में वहीं सर्विस करें। जी 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 जी, यदि उनका वो संपूर्ण विकास होगा तो उनके लिए भी अच्छा रहता है, तो जी वो भी आगे आके हमें सहयोग करते हैं जी। हम उनके आभारी हैं इसके लिए जी। तो सर हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि वो जो कल तरंग होगा उसकी डेट क्या होगी नेक्स्ट मंथ में? टेंटेटिव डेट तो 22 से 24 अप्रैल है सर, 12 से 14, लेकिन वो मैं अभी वो टेंटेटिव है क्योंकि हमें देखना है कि हमारा एकेडमिक प्रोग्राम जी जी हो, तो मैंने उसको डीन एकेडमी को मार्क किया, उनका कंकरेंस चाहिए जी, नहीं तो थोड़ा शिफ्ट होगा इधर। अच्छा 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 अच्छा, अप्रैल में होगा। हाँ नेक्स्ट मंथ ही होगा, नेक्स्ट मंथ। चलिए ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद।